अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शमा रफ़ीक ऑन DTH न्यूज़। संगीन सुबह के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। आज हमारे स्टूडियो में बहुत प्यारी प्यारी मॉडल्स मौजूद हैं जिनका जिक्र तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले हमारे साथ हैं रुबाब उमर, जो कि अपनी सरस में काफ़ी नाम बनाए हुए, काफ़ी फेम हासिल कर चुकी हैं और बहुत कम ही अरसे में उन्होंने मॉडलिंग की फील्ड को में अपना नाम कमा लिया है। जी रुबाब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आपके सुनाए? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। रुबाब ने बहुत जल्दी अपना नाम बनाया है, उनके साथ ही हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, दिलकश सी, बड़ी अच्छी लग रही हैं। उनका नाम है सोनिया अशरफ। सोनिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा जा रहा है। दैट्स गुड जी। और साथ ही बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, जिन्होंने अभी जल्दी ही इस फील्ड को ज्वाइन किया और इसमें अपना नाम भी बनाया, वो है हमारे साथ एमन उमर। वेलकम एमन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो हम बातों का सिलसिला मज़ीद जारी रखेंगे और आपसे जानेंगे कि आपने किस तरह से अपने काम को, अपने नाम को अचीव किया। तो सबसे पहले मैं जानूंगी कि रुबाब ना काफ़ी अर्से खामोश बैठे, उनको बहुत ज़्यादा शरारतें भी हैं, मुझे लग रहा है शरारतें करना चाह रही हैं, ऐसा ही है ना? तो रुबाब बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस फील्ड में, क्या करना चाह रही हैं आगे, क्या आपके एम्स हैं? 6 मंथ हुए हैं मुझे इस फील्ड में और मैं यहाँ से अर्ली के साथ शूट करवाती हूँ। ओके गुड। बस आप यही स्टार्ट किया हुआ है मॉडलिंग। तो शौक कैसे पैदा हुआ आपको मॉडलिंग का? बस मेरा जो ना फैशन तक मैं करूँ मॉडलिंग का, इस तरह बस यासर अली के साथ मैंने ज्वाइन किया फिर। ओके। और मेरे ख्याल से आप ऐसे फैमिली से ने आपको परमिशन थी एंड ऑल दैट, क्या हुआ फिर? परमिशन है आपको? जी बिल्कुल परमिशन है। ठीक है, गुड हो गया। सोनी आप बताइएगा, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और कैसे आपने मतलब इस फील्ड में कदम रखा, अपनी अचीवमेंट बताइएगा आप। मैं तो बस एकदम से इस फील्ड में आ गई थी। मैं एक्चुअली थी नमल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर मेरी फ्रेंड थी, वो फोटोग्राफर थी, तो उनका नेक्स्ट डे शूट था, तो उनको जो है वो उनकी मॉडल जो है वो नेक्स्ट डे नहीं आई, तो फिर उनको मतलब मेरी तरह का एक फेस चाहिए था, मतलब जिस पे ब्राइडल मेकअप हो सके, तो फिर उन्होंने इमरजेंसी में मुझे कॉल की, मुझे बुलाया फिर, तो मैं मतलब उस चीज़ के लिए अभी बिल्कुल वो नहीं थी, तैयार नहीं थी, बट ये है कि मुझे जब मैंने फिर भी सोचा कि चलो कर लेते हैं, कोई नहीं, शौक मुझे भी था अंदर ही अंदर, बट ये है कि फिर मैंने वो पहला शूट किया उनके साथ और मुझे फिर काफ़ी अच्छा लगा। पहला शूट मेरा ब्राइडल का था, फिर उसके साथ साथ फिर बाद में मेरा यासिर के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, फिर मैंने स्काई मीडिया के साथ अभी काफ़ी शूट्स किए हैं और अभी इंशाल्लाह एक मूवी भी कर रही हूँ। मतलब आप सडनली इस फील्ड में, या पता नहीं था कि मैंने आ जाना? पता नहीं था, एकदम से इस फील्ड में आई हूँ। तो स्टडीज़ में आपके वो इफेक्ट नहीं हुआ आपको स्टडीज़ में? स्टडीज़ में तो ज़ाहिर बात है इफेक्ट तो हुआ, क्योंकि यहाँ पर टाइम देना पड़ता था, शूट्स पर आपको पता है पूरा पूरा दिन भी आपका सर्व हो जाता है, तो यह है कि बट फिर भी मैंने मैनेज किया काफ़ी हद तक, रात को मतलब स्टडी कर लेती थी, दिन के टाइम शूट होता था, कई दफ़ा रात के टाइम शूट होता था, दिन के टाइम स्टडी, फिर प्रेजेंटेशंस भी होती थी साथ, तो यह है कि फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। चलिए ज़बरदस्त, ग्रेट कि आपकी अचीवमेंट है कि आपने इतने मज़े से इसको कैरी किया हुआ है। अच्छा मैं ना बताइएगा कि आप क्या करती हैं और कैसे? मैंने तो बस सोनिया के रेफरेंस से मैं आई हूँ, मुझे भी काफ़ी शौक लगा, मैंने कहा चलो ये लोग करवा रही हैं तो मैं भी, मुझे पहले नहीं था शौक, बस इनको देख के मैंने कहा मैं भी करवा लूँ शूट, और मुझे भी बहुत कम टाइम हुआ है इनके साथ और यासिर अली के साथ भी, सोनिया के रेफरेंस से, जी उनके रेफरेंस से, और काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ काम करके। तो क्या लगता है कि हमारी फैशन इंडस्ट्री अभी कहाँ पर है, आप क्या समझते हैं कि हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं क्या? जी इंशाल्लाह वही है कि हर चीज़ में, हर काम में मेहनत तो होती है। Exactly. और मेहनत करके चाहे आप जिस फील्ड में भी जाते हैं, मेहनत करके ही आगे आपका नाम बनता है और आप फेमस होते हैं, तो ये है कि इंशाल्लाह बाकी इनके साथ भी मैं अटैच हूँ और सही. आगे भी मेरा शूट का और बाकी मूवीज वगैरह का भी है प्रोग्राम इंशाल्लाह। मतलब आप इंडस्ट्री में प्रॉपरली जाना चाह रही हैं? जी जी जी। जबरदस्त। कोई ऑफर भी अभी तक आई है या? जी जी, मुझे न्यूज़ का भी आया है हम TV से ना, ड्रामे का मुझे ऑफर आई थी और बाकी शूट वगैरह की भी काफ़ी ऑफर्स हैं, तो बस ये एक ऐसी जो है ना लगन सी बन गई है कि चलें। जबरदस्त। तो क्वालिफिकेशन एंड स्टडीज बस वो भी साथ साथ कैरी ऑन कर रही हूँ, क्योंकि स्टडी तो फिर बहुत मस्त है जी, आपकी बेस है डेफिनेटली किसी भी फील्ड में। तो आप बताइएगा क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या करना पसंद है मॉडलिंग के अलावा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? और भी बस पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मेरा। नहीं आप मुझे काफ़ी जॉली सी लग रही है, शरारती सी, ऐसा ही है? वो तो भी बहुत नोटी है। अच्छा, बहुत शरारती है। घर में भी काफ़ी तंग करती होगी आपको, है ना? ओके, तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है या? म्यूजिक में नहीं है, बस म्यूजिक में सुनती हूँ। सुनती है, हैंड भी लगाई,
सही सोनिया, आप बताइए कि हमारी इस टाइम अकॉर्डिंग टू अगर यूथ की बात करें तो क्या हमारी यूथ अभी उस स्टेज पर है कि हम अच्छा अच्छा काम करें? आपको क्या लगता है, मतलब एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, हमारी यूथ अच्छे वे पे चल रही है, क्या आप क्या कहना चाहेंगे अपनी यूथ के हवाले से? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है और मैं यूथ को आपके मतलब शो के तो सच से उनको एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि वो लोग जो है वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज करें, अगर मतलब वो अच्छे से परफॉर्म करें ताकि वो अपनी आगे जो है वो राह हमवार कर सकें तरक्की की। तो यह है कि उनको चाहिए कि वो अपने स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करें, अगर उनमें मतलब मॉडलिंग का शौक़ है तो वो अपने शौक को दबाएं मत, वो स्टेज पे आएं, परफॉर्म करें, शोज़ वगैरह करें, जो मतलब उनकी जो भी मतलब उनकी टैलेंट है वो सामने मतलब जाहिर करें, इस तरह दबा के ना रखें। आप क्या समझते हैं कि क्या हमारे पाकिस्तान में अभी तक ऐसे प्लेटफॉर्म्स बने हैं जहाँ पे हमारी टैलेंट को प्रमोट किया जाना चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान में बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि ज़्यादातर इंडस्ट्री तो लाहौर में ही है, बट यह कि अभी इस्लामाबाद में भी काफ़ी इसका स्कोप बन रहा है, जैसे कि स्काई मीडिया प्रोडक्शन है, वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए आगे बढ़ने के लिए, मतलब ये न्यू फेसिस को बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं, कवरेज दे रहे हैं, तो यह कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए आगे बढ़ने का। जबरदस्त, वेरी गुड, अच्छा लगा आपकी थॉट की। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारी यूथ पॉजिटिविटी की बात करती है, समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा काम हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो खुशी की जो एक वाइब है वो डेफिनेटली मुझे आती है हमेशा से, और मैं हमेशा से इस बात को अप्रूव करती हूँ, प्रमोट भी करती हूँ कि हमारी यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों को देख के मुझे आज काफ़ी खुशी भी हो रही है कि बहुत कम अरसे में आपने बहुत तरक्की की है। तो एवन आप देखिए, मैंने सुना आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, क्या ये वाकई सच है? जी ऐसे ही है। आपने हिडन टैलेंट आपके अंदर एक और भी है? जी बस शौक है काफ़ी, मतलब कि मैंने नात में भी कंपटीशन ली है और सिंगिंग में भी काफ़ी कंपटीशन ली है, और बाकी ये है कि मुझे ना मतलब मैं टीचिंग लेवल पे थी ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी ये था कि मतलब कि बेसिकली हमारा मतलब टीचर सब बैठती थी, तो मतलब कि हमारा एक कंपटीशन सा होता था। सही सही, तो बस ये है कि सही। तो क्या गाएंगे अभी आप? कुछ गा के सुना दे हमारी ऑडियंस को, ऐसा ही रुबाब गाती है ना? जी जी बिल्कुल। ओके, चलिए किसने भी डांस स्माइल नहीं करना। नहीं, हम बिल्कुल भी आप ओके okay. कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुम्हें जिंदगी मिलाने की, मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ कैसे कहूँ, जाने मन जाने अदा हो तुम मेरी धड़कन की सदा हो तुम, मेरी सांसों की जरूरत हो दिल रुबा जाने वफा हो तुम, मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुम्हें जिंदगी मिलाने की। आप तो बड़ा अच्छा गाती है, कभी कहीं ट्राई किया या नहीं? बस घर में ही प्रैक्टिस वगैरह करती रहती हूँ। घर में कभी डांट तो नहीं पड़ी कभी? नहीं, सम टाइम हो भी जाता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब वो शौक में होती है, तो वैसे मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ। जी जी अच्छा, मुझे भी होता है कभी कभी गाने का वैसे क्रेज। आप भी एक सुनाई दे। मैं सुना दूं? ओके, थोड़ा सा वैसे मैं होस्ट, मुझे गाना चाहिए था वैसे। ओके ओके, लैया लैया मैं तेरे नल ढोलना वे, लैया लैया मैं तेरे नल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना, मैं लुटी गईया सोनिया मैं लुटी गईया, सदरा दे बूहे मैं तेरे लिए खोले, हो बिना तू वख हुड़े अखियां तोले, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना, एक दिल सी रिया मेरे कोलना, वे मैं लुटी गई।
जबरदस्त नाइस एक्सीलेंट थैंक यू सो मच बहुत जबरदस्त आवाज है आपकी माशाल्लाह बहुत थैंक यू सो मच बस थोड़ा सा बहुत टैलेंट यू नो हमने भी कहीं छुपाया होता ठीक है तो सोनिया बताइएगा आपके आपको म्यूजिक का शौक है हाँ मुझे भी काफी शौक है काफी क्रेज है हैंफी मैंने भी हर वक्त कानों में ठूसी होती है बट ये कि गाने गाना मेरी आवाज में मतलब अच्छा नहीं है आप अगर गाना सुनेंगे तो आप तो वॉशरूम सिंगर हूँ मैं थोड़ी बहुत बट ये ठीक है नहीं एक मजे की बात है कि आजकल हमारे बच्चों ने कानों में हैंड फ्री मतलब जनरली पॉजिटिविटी की बात करें मतलब हमारे शो का थीम पॉजिटिविटी है एक्चुअली में आप क्या वैसे क्या ये बात ठीक है कि हम अपने ईयर्स को भी नुकसान हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और एक्सेसिव यूज कर रहे होते हैं तो वैसे ये बात हमारा ख्याल से ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं नहीं बिल्कुल ये बात बाकी ठीक नहीं है मगर फिर आपको पता है शौक शौक तो शौक होता है जब एक क्रेज होता है एक चीज का बेशक वो आपको नुकसान की तरफ ही लेके जा रहा है बात आप लोगों से करने का पर्पस सिर्फ यही है कि हम लोग शायद किसी न किसी के रोल मॉडल होते हैं ऐसा ही है तो मैं ही चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा मैसेज कन्वे किया करें एंड ऑल दैट मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आपको लोग पॉजिटिव वाइब लें आपसे बिल्कुल ऐसे तो वैसे अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है ऐसा ही है तो मैं आपसे भी कहूँगी क्योंकि आपकी भी फील्ड ऐसी है कि आपको 24 आवर एक्टिव होना पड़ता है मैनेज करना पड़ता है तो इसके लिए थोड़ा सा और जब तक हम सॉन्ग्स ना सुने ना तो हम एक्टिव नहीं होते हमें नींद आ रही होती है इसलिए तो आई मीन क्या कहेंगे फैशन इंडस्ट्री हमारी कहाँ तक फ्लरिश हुई है अभी तक हाँ बस यही है कि इंशाल्लाह साथ साथ हर चीज़ चलती है और मेरा तो अभी मतलब कि रिसेंटली अभी मैंने ज्वाइन किया है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे और इंशाल्लाह साथ साथ नॉलेज भी मिल रही है हर चीज़ के बारे में और बस इंशाल्लाह चल रहा है फेवरेट मूवी कौन सी आपकी फेवरेट मूवी मोहब्बत है और हम साथ साथ हैं बागबान भी बागबान में लाइक एक स्टोरी जैसे कि एक है बड़ी अच्छी स्टोरी बताई गई है ना बागबान में ना तो वो भी मेरी फेवरेट है डेफिनेटली आपके एक फैमिली कल्चर को फैमिली कल्चर को और पेरेंट्स को पेरेंट्स की रिस्पेक्ट हास करना वो चीज तो फेवरेट मॉडल कौन सी है जिसको आपने फॉलो किया और आपको क्रेज हुआ कि नहीं मैंने भी मॉडलिंग करनी है मैंने भी आगे जाना है और आगे बढ़ना वैसे इंडियन की अगर बात की जाए तो ईश्वरिया है मेरी और पाकिस्तान में मेरी जो है क्या नाम है इनका जो मेहर पोस्ट में आती है उनका क्या नाम है आयशा खान वो मेरी बहुत फेवरेट है मेरी फेवरेट मॉडल जो है वो नाजिश खान है मुझे काफ़ी वो अच्छी लगती हैं उनके फेस कट मुझे बहुत पसंद है एंड सेकेंडली उसका उनका हेयर कट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मैं भी अभी सोच रही हूँ मैं भी उनकी कॉपी करके वैसे ही करवाऊँ अभी ओके जी और आप क्या कहेंगी कैसा मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी नज़र में कौन है बेस्ट मॉडल पाकिस्तान में आई थिंक सारे बेस्ट होते हैं जो मेहनत करते हैं क्या कह रहे हैं आप सभी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए क्या करती हैं अभी आप कहती हैं बस ठीक है एथलेटिक्स जो है या मेहनत करती हैं नहीं मैं करती हूं मेहनत करती हैं क्या फिटनेस में क्या करती हैं डाइट कोई प्रॉपर लेती हैं या क्या हां बस करती हूं जो आ जाता है कुछ ही खा लेती हैं ओके दैट्स बड़ा मजा आया आपसे चैट चैट करने का एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आप सबने मुझे ज्वाइन किया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके के होप्स हो कि हम फिर ऐसे कोई चर्चा दोबारा जरूर करेंगे लास्ट मैसेज अगर आप कोई देना चाहें सोनिया लास्ट मैसेज मैं यूथ को ही देना चाहूँगी कि अपने स्किल्स जो हैं वो उनको दबा के मत रखें उनको यूटिलाइज करें परफॉर्म करें जो आपके अंदर टैलेंट है उसको आप उभारें उसको दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है और जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वो करें लाजमी करें बेशक वो स्टडी है बेशक वो आपका कैरियर है कुछ भी है बट आपने उसको जो है वो साथ लेके चलना है और उसको आपने दबाना नहीं है अपना ड्रीम जो है वो आपने पूरा करना है ओके जी थैंक यू सो मच जी नाजरीन आपने देखा कि कितने मज़े की बातें की इतने अच्छा मैसेज कन्वे कि अपने टैलेंट को कभी भी दबाना नहीं चाहिए उसे आगे लेकर जाना चाहिए तो इंशाल्लाह कल फिर आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नए चेहरों के साथ तब तक के लिए फी अमान अल्लाह अब होगी आपकी बात सिर्फ डीटीएच न्यूज़ पर